तो बजाज की पल्सर N125 को टक्कर देने के लिए फाइनली दोस्तों हीरो अपने CVZ को फिर से हमारे इंडियन टूलर मार्केट पे रिलॉन्च करने वाली है। जो कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो CVZ है दोस्तों, ये पहले हमारे इंडियन टूलर मार्केट पे आती थी, लेकिन दोस्तों इस बाइक को जो है हमारे इंडियन टूलर मार्केट से डिसकंटिन्यू भी कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों फाइनली मैं आपको बता दूं कि हीरो कंपनी इस बाइक को फिर से हमारे इंडियन टूलर मार्केट पे वापस लेके आएगी, जिसमें दोस्तों अब आप लोग को काफ़ी सारे यहाँ पे एडवांस फीचर्स भी देखने को मिलेंगे। बाइक की लुक भी आप लोग को अब और भी ज़्यादा स्पोर्टी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ दोस्तों इसकी जो प्राइसिंग है, ये भी दोस्तों आप लोग को काफ़ी अफोर्डेबल देखने को मिलने वाली है 125cc सेगमेंट के हिसाब से। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग इसी हीरो कंपनी की CVZ 125 के बारे में एकदम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे दोस्तों आप लोग को बाइक से रिलेटेड ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इस बाइक के लुक के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों बाइक का जो लुक है ये आप लोग को बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर देखने को मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी है, क्योंकि इस पे दोस्तों जो पैनल्स यूज किए गए हैं, जो आप लोग को टैंक देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे बल्की है। इसके अलावा दोस्तों इसके जो ग्राफिक्स हैं, जो अलॉय व्हील है, जो सीट है, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब कि स्पोर्टी बना रहा है इस बाइक को। आप लोग बताइए भाई कि आप लोग को इस बाइक का लुक कैसा लगा है। बाकी दोस्तों यहाँ पे अगर बात करी जाए इंजन के बारे में, तो इस बाइक पे दोस्तों सेम आप लोग को ग्लैमर 125 और सुपर स्प्लेंडर 125 पे जो इंजन देखने को मिलता है, आपको वही इंजन देखने को मिलेगा जो कि दोस्तों 124.7cc का एयर कूल इंजन है, जिसमें दोस्तों लगभग आप लोग को 10.39 bhp के आसपास में पावर और 10.9 Nm तक का टॉर्क देखने को मिलता है। जो कि ये जो बाइक है दोस्तों, ये 5-speed गियरबॉक्स के सेटअप के साथ आती है, जिसमें दोस्तों आप लोग को सेल्फ स्टार्ट के साथ किक स्टार्ट भी दी गई है। माइलेज दोस्तों लगभग आप लोग को यहाँ पर जो है ना 50 से लेकर 60 km/h के आसपास में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आप लोग को इस बाइक पे माइलेज भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम लोग बात करें इस बाइक के फीचर्स के बारे में, तो इसमें दोस्तों आप लोग को फीचर्स जो है कुछ खास तो देखने को नहीं मिलेंगे, बट फिर भी दोस्तों आप लोग को इस बाइक पे जो है ना फ्रंट पे LED का हेडलैम्प देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इंडिकेटर्स और जो टेल लैम्प रहने वाला है, ये दोस्तों आप लोग को हेलोजन में ही देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बाइक में आप लोग को एनालॉग के साथ डिजिटल यहाँ पे मीटर कंसोल दिया जाएगा, जिसमें दोस्तों आप लोग को नॉर्मल सभी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। बाकी इसमें आप लोग को दोस्तों कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि इसमें आप लोग को शायद जो है ये सिंगल चैनल ABS भी देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हीरो कंपनी इस बाइक पे जो है ना सिंगल चैनल ABS अगर ऑफर करती है, तो इस बाइक की जो ब्रेकिंग है ये तो काफ़ी बेटर होगी ही, साथ ही साथ इसमें आप लोग को सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। बाकी हाँ, सेफ्टी वाइज आप लोग को साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बाइक में आप लोग को USB चार्जिंग पॉइंट दिया जाएगा, जिससे दोस्तों आप लोग अपने फ़ोन वगैरह को चार्ज कर पाएंगे, और i3S टेक्नोलॉजी वगैरह ये सभी चीज़ें तो देखने को मिलेंगे ही। बाकी दोस्तों अगर बात करें जाए यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में, तो इस बाइक का जो प्राइस है दोस्तों, ये 1,10,000 रुपये से लेकर 1,15,000 रुपये के आसपास में ऑन रोड बताया जा रहा है। बाकी आप लोग बताइए कि आपके हिसाब से इस बाइक की प्राइसिंग कितनी रहनी चाहिए। लॉन्च के बारे में बात करी जाए, तो इस बाइक को दोस्तों इसी साल के एंड तक में लॉन्च किया जा सकता है, या फिर इस बाइक को दोस्तों नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग तक में भी हीरो कंपनी हमारे इंडियन टूलर मार्केट पर लॉन्च कर सकती है। तो अब आपका दोस्तों क्या ओपिनियन है इस बाइक को लेकर, नीचे कॉमेंट बॉक्स पर अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।